डेली रिपोर्ट वॉज कॉल्ड, चलो डेली रिपोर्ट हैज कम अलॉट जी। एंड आप पुष्पेंद्र दुबे आप हैं जी लॉर्ड जी, इसमें डीएनए रिपोर्ट में आया मलोड पीड़िता, आपके नाम के दो तीन लोग हैं यहाँ पर, दो लोग हैं तो सीनियर, जूनियर सीनियर कर लीजिए आप लोग, आप सीनियर हैं कि वो सीनियर हैं? वो सीनियर है, वो सीनियर है। क्या वो बोलो, इसमें डीएनए रिपोर्ट आ गई है। डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई तो क्या एक्यूज छूट जाएगा? ये सवाल ये सामान्यतया आम लोगों के लिए ये होगा कि हाँ साहब बिल्कुल छूट जाएगा, पर बिल्कुल नहीं। डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आनी चाहिए इस बात के लिए कि आप उस दोष से इतना तो मुक्त हो जाएं कि आपको बेल दी जा सके इन परिस्थितियों में जिसमें ये केस है। आइए देखिए इस केस। और उसमें है कि पीड़िता समानाज के स्रोत वेजाइनल स्लाइड प्रदर्श ए डी पब्लिक से वेरी लो वाई क्रोमोसोम एसटीआर डीएनए प्रोफाइल, लो प्रोफाइल है, अनइंटरप्रिटेबल है। हाँ जी, इसका मिलान आरोपी राम कैलाश तिवारी और बाबा के स्रोत से रक्त नमूना से प्राप्त वाई क्रोमोसोम एसटीआर डीएनए प्रोफाइल से किया जाना संभव नहीं है, लो अनइंटरप्रिटेबल है। हाँ, डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, पीड़िता समानाज के स्रोत वेजाइनल स्लाइड प्रदर्श से अनइंटरप्टेबल वेरी लो वाई क्रोमोसोम एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई जी। एंड सो फार द स्टेटमेंट डिपोज बिफोर द ट्रायल कोर्ट मलोट सी हैज एडमिटेड मलोट, उसमें नाम लिया है इसने। डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव होती तो यस, मैं आपको मैं 30 सेकंड नहीं लगाता बेल देने में, नेगेटिव नहीं है वो। But Lordship, if Lordship would examine the medical report and the अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक केस में, अभी पिछले हफ्ते आपने पढ़ लिया होगा, जब एक बार चार्ज फ्रेम होगा ये सब हो गया वहाँ एविडेंस वहाँ अप्रिशिएट की जाएगी। But Lordship, इसके लिए prima facie prosecutrix has not turned hostile, she is supporting the prosecution version. That is there. But say as another improved, thing that is the FSL report, DNA report, that is uninterpretable. But according to her statement, the presence of the applicant is doubtful, Lord Sir. अच्छा पढ़िए उनका statement, पढ़िए बताइए। Para 9, Lord Sir, then Para 19. Para 9, पढ़िए। जैसे मैं दरवाजा खोला मुरारी ने मेरे पर स्प्रे डाल दिया था तभी बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता कि बाद में दरवाजा किसने बंद किया, मुझे जानकारी नहीं है, मेरे भाई ने उसके पश्चात कोई शोर शराबा किया था या नहीं, घटना दिनांक दूसरे मुझे होश आया, घटना दिनांक वाली रात को भोर मुझे होश आया, जब होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ जंगल है, किसी का मकान नहीं था, जंगल उत्तर प्रदेश का था, जब मुझे होश आया तो वहाँ एक मोटरसाइकिल थी, मैं नहीं बता सकता मुझे जंगल किस साधन से ले आया। लॉर्डशिप काइंडली कंसीडर पैरा 19, यह बात सही कि जंगल में सरफराज की मोटरसाइकिल के अलावा अन्य कोई वाहन नहीं था। जंगल में सरफराज के साथ चलने से पहले सरफराज ने मेरे साथ तीन चार गलत काम नहीं किया था, जब मैं सरफराज के साथ चलने के समय हम दोनों ही थे, स्वतः बाकी आरोपी हम भाग गए थे, घटना दिनांक को मैंने सरफराज से बोला था मुझे मेरे नाना घर, तो इसका जो 161 का स्टेटमेंट था, इसका जो ये बयान है 161 से स्टेटेड दैट कि सेवेंट विद द सरफराज, एक मिनट प्लीज,
उसके बाद और से हमने सजेशन इसमें प्रीवियस डिस्प्यूट भी राम कैलाश उनके परिवार से प्रोसिक्यूटर्स के का प्रूव्ड है पैरा 22 देन पैरा 23 और से यह बात सही कि आरोपी राम कैलाश मेरे गांव का है वो दिमाग से पागल है साची अपने को पागल नहीं केवल उसका हाथ कांपते वजह से आरोपी राम कैलाश का हाथ पांव शरीर कांपता रहता है धन्यवाद से मेरे बड़े पापा मकबूल का आरोपी राम कैलाश है उसके भाइयों के साथ कई बार विवाद हो चुका था समाज की ओर से मेरे बड़े पापा मकबूल ने मुकदमा दर्ज करवाने में हमारी मदद की इस पैरा में पढ़ रहे हैं ये पैरा 23 लॉर्ड से आप ही ने तो पूछ लिया पैरा 23 में फिर आगे मुझे जाना चाहिए था कि विवाद हो चुका है आपने फिर उसको और करा दिया यह कहना गलत है कि घटना की दिनांक को आरोपी राम कैलाश अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ था तो इसका यहाँ पे इन्होंने एडमिट किया व्हाट्सएप की उनके जो बड़े पापा मकबूल है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट हुई है वो ठीक है और यदि हमने जो डॉक्यूमेंट एनेक्सरे 3 में पेश किए हैं व्हाट्सएप ये डॉक्यूमेंट हमने पेश किए हैं उसके फिजिकल डिसेबिलिटी का ये किस कारण से 2 महीने के लिए इनका क्रॉस एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया गया इनका चीफ हुआ है अप्रैल में जी शायद 5 अप्रैल समझ में 5 अप्रैल 2022 को इसका चीफ हुआ है जी ठीक है उसके बाद प्रति परीक्षण स्थगित किया गया उसके बाद में प्रति परीक्षण में डेट जो दिखाई दे रही है मई 2 मई 1 महीने बाद इसमें पेज 14 जो इन्होंने फाइल किया है पेज 14 में चीफ है हाँ वो तो समझ गए 15 में प्रति परीक्षण उसके कहाँ है प्रति परीक्षण पेज स्थगित किया गया है हाँ पेज 15 में नोट है आदेश पत्रिका में वर्णित कारण से साक्षी का कारण वो आदेश पत्रिका से मालूम चला लेट कॉपी और रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू कॉल फॉर द कॉपी ऑफ द ऑर्डर शीट फ्रॉम द लर्नेड कोर्ट ऑफ स्पेशल जज पॉक्सो मऊगंज रीवा wherein reasons have been assigned for postponing the cross-examination of the prosecutrix. Let order sheet be called for through fax/email list next week.